मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके समझ समझ करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसमें आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइन करी गई है, इट विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस जीरो टू एक्स कॉस फोर थीटा प्लस साइन फोर थीटा डी थीटा। और ये कहा गया कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी की वैल्यू भी रियल नंबर के इक्वल है और बी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो हमें ए के ऊपर कंडीशन बताना है कि ए की वैल्यू कहां से कहां होगी। एक ए बिलोंग्स टू जीरो टू रूट सिक्स एक ऑप्शन है, दूसरा ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सिक्स से रूट सिक्स तक, ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सेवन टू जीरो और डी ऑप्शन है ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सेवन से रूट सेवन तक, राइट। तो ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सेवन टू रूट सेवन। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग काम करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि इसकी जो एफ डैश एक्स होगी, जो डेरिवेटिव होगी, वो लेस देन जीरो होगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा इस फंक्शन का, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं डेरिवेटिव लेना, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, बाहर आ जाएगा एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन वन होता है। तो ये हो गया इसका ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू, x का डिफरेंशिएशन 1। इसकी जो डिफरेंशिएशन करी जाएगी वो आपका इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। देखिए आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है gx से लेकर hs तक है f of t dt की, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन करी जाती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी गिवन बाय f of h of x, मतलब t की जगह पे h of x रखेंगे, फिर hx को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, फिर टी की जगह पे जी एक्स रखेंगे और फिर जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंशिएशन होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये आपका एफ ऑफ थीटा है, राइट। तो क्या होगा, पहले एफ ऑफ थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे आप एक्स रखेंगे क्योंकि यहां पे एच एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल है। तो ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स प्लस साइन फोर एक्स और फिर एच एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे और x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी cos 4x plus sin 4x, राइट। अब देखिए यहां पे, अब थीटा की जगह पे जो आपका f ऑफ थीटा है, थीटा की जगह पे 0 प्लेस कीजिएगा और 0 को डिफरेंशिएट कीजिएगा। और ऐसी बात है 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली 0 के इक्वल हो गई। तो g'x किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो ये पूरी किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसकी जो डेरिवेटिव होगी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट विल बी इक्वल टू कॉस 4x प्लस साइन 4x। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो आया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस इसकी डिफरेंशिएशन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कॉस 4x प्लस साइन 4x, राइट। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए एफ डैश एक्स वैल्यू लेस देन जीरो कर दी गई है, राइट। अब हम लोग इसी के ऊपर मेन वर्कआउट करेंगे कि ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस कॉस फोर एक्स प्लस साइन फोर एक्स लेस देन जीरो है। यहीं से हमारे को कंडीशन ए के ऊपर आएगी कि ए कहां से कहां तक लाइक करेगा, राइट। अब वो देखते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। मेन की कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसको डिफरेंशिएट करते वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट। तो ये वाली बात आ गई। अब हम लोग आगे वर्कआउट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट जब हमने किया एफ ऑफ एक्स को, तो उसके बाद हमारे पास आ गया था ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस कॉस रेस्ट ऑफ फोर एक्स प्लस साइन रेस्ट ऑफ फोर एक्स लेस देन जीरो। इसको मैं अब इस तरीके से लिख दिया, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस
cos square x plus sin square x का whole square minus 2 sin square x into cos square x which is less than 0, जो कि ये दे रखा है, right? अब हम लोगों को पता है कि cos square x plus sin square x 1 के equal होता है, तो ये पूरी 1 के equal आ गई, तो इसको मैं पूरा लिख दिया 1 minus 2 sin square x into cos square x, उसके साथ ab minus b square minus 2 add है. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, इट विल बी माइनस वन. इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर टू एक्स. ऐसा क्यों, साइन टू एक्स होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यही तो आ जाएगा आपका, राइट? तो ये आ गया एक तरह से, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो आ गई ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस वन माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर टू एक्स लेस देन जीरो. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? अब साइन टू एक्स की वैल्यू, साइन स्क्वायर टू एक्स की वैल्यू एट द मोस्ट कितनी होगी, वन के इक्वल होगी. इसका मतलब ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस वन लेस देन हाफ, क्योंकि इसकी वैल्यू एट द मोस्ट 1 के इक्वल हो सकती है. तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 बाई 2. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 3 ग्रेटर देन 0. ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है b में, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है जबकि डिस्क्रिमिनेंट उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लेस देन जीरो होना चाहिए. तो इसका जो डी होगा वो डेफिनेटली लेस देन जीरो होगा, तो मैं इसका डी लेस देन जीरो कर दूंगा और उसके बाद हमारे पास ए के ऊपर एक कंडीशन आ जाएगी, राइट? तो हम लोग आगे इसके ऊपर भी वर्कआउट कर लेते हैं. अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आ गया था, राइट? अब हमारे को एक और की कॉन्सेप्ट की यहां पे जरूरत पड़ेगी, वो ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये f(x) है, और ये f(x) ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है जबकि a ग्रेटर देन 0 हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है. ये f(x) वर्सेस x का ग्राफ हमने बना रखा है, राइट? तो इस की कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि f(x) मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 तब पॉसिबल है जब a ग्रेटर देन 0, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में इस एक्सप्रेशन का इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए. तो इसका भाई ये तभी पॉसिबल है, ये तभी सही होगा जबकि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होगी वो लेस देन 0 होगी. इसकी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको पता ही है. क्या करेंगे, माइनस टू ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है, तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस ऑफ टू ए का होल स्क्वायर माइनस फोर टू इंटू थ्री, राइट? दिस विल बी लेस देन जीरो. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा फोर ए स्क्वायर माइनस 24 less than 0, that means a square minus 6 less than 0. a square minus 6 को हम लोग देख सकते हैं a minus root 6 into a plus root 6 less than 0. इसको number line पे plot करेंगे, इसका दो critical point है, एक minus root 6 है, दूसरा root 6 है. obvious बात है ये plus minus plus, आपको ये पता ही होगा कि number line system पे इस inequality को कैसे solve करते हैं. तो इसका मतलब a की value, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू लेस देन जीरो तब पॉसिबल है जब ए की वैल्यू माइनस रूट सिक्स से लेके प्लस रूट सिक्स तक हो. दैट मींस ए डेफिनेटली विल लाई बिटवीन माइनस रूट सिक्स टू प्लस रूट सिक्स, राइट? इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो गया, राइट? तो इस प्रॉब्लम का जो हमारे को कहा गया कि एक ये पूरी चीज, मतलब ये एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब ए के ऊपर जो कंडीशन आएगा ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सिक्स से लेके रूट सिक्स तक. तो इस तरीके से पूरे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे. फिर से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात कर देता हूं. सबसे पहली बात है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा. डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको डिफरेंशिएट करते वक्त जो ये वाला इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, उसका ध्यान में जरूर से रखना, कई दफे वो कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कर दिया. एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करने के बाद हमारे पास जो एक बीच में एक एक्सप्रेशन में जो एक बात आई थी साइन रेस टू ऑफ 4x प्लस कॉस रेस टू ऑफ 4x, उसको एक आइडेंटिटी का यूज करके हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक इनइक्वालिटी बनी थी वो हमारे पास बना था 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 ग्रेटर देन 0, राइट? अब ये तभी पॉसिबल है जब इसका d लेस देन 0 हो, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया और फाइनली हमारे पास a के ऊपर कंडीशन आ गया कि a बिलोंग्स टू माइनस रूट 6 से लेकर रूट 6 तक, राइट? तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग कंप्लीटली वर्कआउट करेंगे. काफी अच्छा प्रॉब्लम है, जरूर से इसके कॉन्सेप्ट को और अप्रोच को ध्यान में रखना आप.
अब हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट अप्लीकेशन आपका रोल्स थ्योरम का है। अब देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहा गया कि 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है, जहां पे a b c रियल नंबर है। अब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन का एक कम से कम एक रियल रूट होगा, 0 एंड 1 के बीच में होगा, या फिर 1 एंड 2 के बीच में होगा, या फिर 0 एंड 2 के बीच में होगा, चौथा ऑप्शन नन है। तो हमारे को क्वेश्चन फाइनली क्या करना है, पता करना है कि भाई कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट है इन द इंटरवल x के किस इंटरवल में। मेन बात यहां पे ये है, क्या वो इंटरवल 0 एंड 1 का है जिसमें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होगा, या 1 एंड 2 है वो इंटरवल जिसमें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रूट रियल होगा, या फिर वो इंटरवल 0 एंड 2 है। अब ये देखिए कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली यू नो रोल्स थ्योरम से रिलेटेड है, रोल्स थ्योरम की कंसीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड है। अब ये कैसे है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रोल्स थ्योरम का बेसिक के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में, राइट। तो वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे हम लोग रोल्स थ्योरम के ऊपर पहले बात करते हैं। रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि एक फंक्शन लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, और वो फंक्शन जो होनी चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया है, दिख रहा होगा आपको, मैं ग्राफ बना के दिखाया हूं आपको, और ये x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी के बीच में क्लोज इंटरवल ऑफ ए एंड बी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी। तीसरी बात आप देखें यहां पे कि x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की वैल्यू और x इक्वल टू बी पे इस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। यदि ऐसा हो जाए, कोई फंक्शन इस तीन कंडीशन को फॉलो कर ले, तो आप ये पक्का समझ लीजिए कि वो फंक्शन डेफिनेटली एक न एक जगह पे एक एक्स के किसी न किसी पॉइंट पे उस फंक्शन की डेरिवेटिव कम से कम एक बार उस फंक्शन की डेरिवेटिव जो होगी जीरो के इक्वल होना ही होना है। मतलब हो गया यहां पे कि एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो एटलीस्ट वंस इन द ओपन इंटरवल ए एंड बी। अब ये जो रोल्स थ्योरम, ये थ्योरम है, वो थ्योरम आखिर कैसे यूज होगा इस तरह के प्रॉब्लम में, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग अब देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को f डैश x पहले ले लीजिए आप। अब हम कहेंगे कि f डैश x क्यों लेंगे जी, एक्चुअली हम लोग इसको यदि f डैश x ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो f डैश x इक्वल टू 0 हो गया। बट वो किस इंटरवल में हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो इंटरवल पता करना है। तो उस चीज को समझेंगे कैसे, तो f डैश x मैं ले लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब f डैश x से आप f ऑफ x निकाल लीजिए। जब आप f ऑफ x निकालेंगे तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा, और कैसे निकलेगा, यदि f डैश x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है तो f ऑफ x निकालने के लिए आप सीधे इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो f डैश x इसके इक्वल है, तो आप यदि इसको देखेंगे कि d ऑफ dx ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रेट, तो d ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx, इंटीग्रेट कर दिया। d ऑफ f ऑफ x का इंटीग्रेशन सिंपल से बात है f ऑफ x होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन f ऑफ x हो गई। a कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, b बाहर आएगा, x dx का इंटीग्रेशन x² बाय 2, c बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। इसका तो इसकी जब इंटीग्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो इट विल कम आउट f ऑफ x विल बी इक्वल टू ax³/3 bx² बाय 2 cx सम इंटीग्रल कांस्टेंट k। तो मेरे पास f ऑफ x आ गया। अब ध्यान से देखिए यहां पे, देखिए ये फंक्शन यहां पे कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशियबल भी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत है। बट मेन है अब यहां पे इंटरवल पता करना कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंटरवल
ए और बी की वैल्यू, जहां पे एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए। तो दो कंडीशन शुरू का तो पता चल चुका है, बट एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब इंटरवल जो एक्स का होगा ए से बी के बीच का, उसमें एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब वो ए और बी की वैल्यू कहां से पता चलेगी वो देखना जरूरी है। तो वो आपको जो गेस करेंगे वो एक्चुअली ऑप्शन से ही गेस करेंगे। इसमें जैसे इंटरवल का गया 0 and 1, तो इसका तो हो सकता है कि a इक्वल टू 0 हो और b इक्वल टू 1 हो, या a इक्वल टू 1 हो सकता है b इक्वल टू 2 हो सकता है, या a इक्वल टू 0 हो सकता है b इक्वल टू 2 हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि a इक्वल टू 0 ले लेते हैं पहले। तो a इक्वल टू 0 पे मैं f ऑफ 0 की वैल्यू देखूंगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि f ऑफ a विल बी इक्वल टू f ऑफ b। तो x इक्वल टू 0 डाल दीजिए, यदि x इक्वल टू 0 डाल देंगे तो f ऑफ 0 आएगा, और f ऑफ 0 किसके इक्वल हो गया, सिंपली k के। अब f ऑफ 1 निकाल लीजिए, क्योंकि b 1 मैंने ज़ूम कर लिया, तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस k। अब इसको ध्यान से देखिए, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2a प्लस 3b प्लस 6c डिवाइडेड बाई 6। 2a प्लस 3b प्लस 6c 0 के इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि f ऑफ 1 k के इक्वल आ गया। तो f ऑफ 1 भी k के इक्वल है, f ऑफ 0 भी k के इक्वल है, इसका मतलब मुझे इंटरवल तो मिल गया। इंटरवल क्या मिला, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखिए, अब रोल्स थ्योरम को लेके चलते हैं फिर से। ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया इन द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 एंड 1, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ऑफ 0 एंड 1, ये फंक्शन f ऑफ 0 पे और f ऑफ 1 पे इक्वल है। तो यदि ये तीन कंडीशन हो जाता है तो इस फंक्शन की डेफिनेटली जो डेरिवेटिव होगी कम से कम एक जगह पे वो 0 की इक्वल होगी, और इसकी डेरिवेटिव जो है f डैश x है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी डेरिवेटिव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जो कि 0 के इक्वल दे ही रखा है। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 किस इंटरवल में है, वो आपका 0 एंड 1 के बीच में है। और यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है, ये किस इंटरवल में, 0 एंड 1 के बीच में, तो डेफिनेटली इसका कम से कम एक रियल रूट तो होना ही होना है फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि f डैश x इक्वल टू 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एटलीस्ट वंस इन 0 एंड 1, कम से कम एक बार 0 होगा ही होगा इन 0 एंड 1। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगी, मतलब इसका रूट जो है एक, कम से कम एक रियल रूट, दो ही रूट होंगे तो कम से कम एक रूट तो रियल होना ही होना है इन द इंटरवल 0 एंड 1। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होगा इन द इंटरवल ऑफ 0 एंड 1। इस तरीके से यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है रोल्स थ्योरम का, और रोल्स थ्योरम की एक फार रीचिंग कंसीक्वेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का कि रियल रूट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हमने डिस्कस किया है, तो उसको ध्यान रखना, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम के ऊपर, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो हम लोग बात करते हैं अगले सेशन में कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, उस कॉन्सेप्ट की इंटरप्रिटेशन है, राइट। देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। हमारे को कहा गया कि ये जो आपका इक्वेशन है इसके टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने हैं। अब सपोज यदि आपको टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे बैठ करके, तब तो हो नहीं पाएगा ये प्रॉब्लम। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले ये हम लोग लेंगे कि एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस 14 एक्स रेस टू द 5 प्लस 16 एक्स क्यूब प्लस 30 एक्स माइनस 560। मैंने ये एफ ऑफ एक्स ले लिया। अब कहा गया कि भाई कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताइए। तो हम लोग सबसे पहले अब ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ले लेंगे। अब एफ डैश एक्स ले लिया हमने, तो एफ डैश एक्स आप लेंगे तो एक्स रेस टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन
7x⁶ प्लस x⁵ का डिफरेंशिएशन होगा 5x⁴। तो ये हो गया आपका 14 × 5x⁴ विल कम आउट 70x⁴। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² तो इट विल बी 48x², x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 तो ये केवल 30 रह जाएगा, 560 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से f'x, ये x⁶ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, अब प्लस 30 तो ये पूरा जो f'x है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और जब भी f'x ग्रेटर देन 0 हो जाता है जिस भी इंटरवल ऑफ x में, तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब f(x) जो है x के हर वैल्यू के लिए, दैट मींस x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए f(x), ये वाला जो f(x) है वो बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन के इंप्लीकेशन देखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब हो गया कि f(x) की जो वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर x पे वो केवल एक ही बार तो आएगी, एक बार से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज करे जा रहा है। इसका मतलब ये f(x) = 0 केवल एक ही बार हो सकता है x के केवल एक ही वैल्यू के लिए। इसका मतलब x के केवल एक ही रियल वैल्यूज के लिए यहां पे f(x) क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब कभी तो 0 हो ही नहीं सकता है, राइट। इसका मतलब इसका जो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होगा वो कितने होंगे, ये केवल एक ही होंगे। हालांकि इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 होंगे, जिसमें एक रियल सॉल्यूशन होगा और एक 6 इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। हमारे को डिफाइन किया गया कि एक फंक्शन है p(x) जो कि रियल पॉलिनोमियल है और ऑफ लिस्ट डिग्री, ऑफ मिनिमम डिग्री, ठीक है, विच है इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा है एट x = 1 पे और इसी फंक्शन की लोकल मिनिमा एट x = 3 पे। This function p(x) has the local maxima at x = 1 and local minima at x = 3। मतलब इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा दे रखी है कि लोकल मैक्सिमा इस फंक्शन की x = 1 पे है और लोकल मिनिमा एट x = 3 पे, ये दे रखा है प्रॉब्लम में। p(1) इस फंक्शन में x = 1 जब प्लेस करेंगे तो p(1) की वैल्यू 6 के इक्वल आएगी, जब x = 3 प्लेस करेंगे तो p(3) की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। हमारे को बताना है कि p'0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब p(x) का डेरिवेटिव लेकर के फिर x = 0 प्लेस कर दिया जाए तो p'0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए p(x) की एक लोकल मैक्सिमा है और एक लोकल मिनिमा है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि p'x 2 दफे 0 हो रहा है। कोई भी फंक्शन की यदि मैक्सिमा मिनिमा होती है तो इसका मतलब हो गया कि f'x उसकी 0 है, बट f'x कितनी दफे 0 है, यहाँ पे f'x या हम लोग कहें p'x 2 दफे 0 है। क्यों 2 दफे 0 है? क्योंकि हमारे को एक पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है और एक पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि p'x विल बी इक्वल टू 0 एट x = 1 एंड x = 3। यदि p'x x = 1 और x = 3 पे 0 है, इसका मतलब जो p'x के 2 रूट हो गए, एक रूट हो गया 1 और दूसरा रूट हो गया 3। बात तो यही है ना, यदि कोई भी फंक्शन f(x) 0 है जितनी जिस पॉइंट पे x के जिस पॉइंट पे, इसका मतलब वो सारे x की जो वैल्यू है उस f(x) की क्या होती है, रूट्स होती है। तो p'x 0 है x = 1 पे एंड x = 3 पे, इसका मतलब x = 1 एंड x = 3 आर द रूट्स ऑफ p'x। इसका मतलब p'x एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p'x एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम लोग ये कह सकते हैं। p'x = 0 का मतलब हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बेसिकली 0 के इक्वल है, जिसके 2 रूट्स हैं, एक x = 1 है, दूसरा रूट x = 3 है। तो मैं p'x को क्या लिख सकता हूं, मैं p'x को लिख सकता हूं सम कांस्टेंट इनटू x-1 × x-3, क्योंकि यदि मान लो क्वाड्रेटिक के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, x-α × x-β विल बी इक्वल टू 0। बट उस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग k × x-α × x-β। इसका मतलब इस p'x को मैं क्या लिख सकता हूं, k × x-1 × x-3। बेसिक बात है ये। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमने अभी डिस्कस किया है,
और जो प्रॉब्लम में गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक तरह से पी डैश एक्स फाइनल लिखा जाएगा के इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, राइट। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई, यही मेन की पॉइंट यहाँ पे यही है इस प्रॉब्लम का। अब पी डैश एक्स मेरे पास आ गया जी, अब मुझे पी डैश जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो पी डैश जीरो मुझे निकालना है तो एक्स इक्वल टू जीरो प्लेस कर देंगे तो ये जो आ जाएगा आपका थ्री के इक्वल आ जाएगा, तो पी डैश जीरो विल कम आउट हाउ मच, थ्री के। हमारे को केवल किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, के की वैल्यू, जो कि हमें पता ही नहीं है, तो अब उसी को पता करेंगे। तो अब आप यहाँ पे के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, पी डैश एक्स आपका दे रखा है के इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, तो मैं पी डैश एक्स को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करके के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब पी डैश एक्स एक तरह से आ गया आपका के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। आप पी डैश एक्स को लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स, तो d of dx of p of x will come out k into x square minus 4x plus 3। अब क्या कीजिए, p of x निकालना चाहते हैं क्योंकि p of x निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा, तो यदि हम लोग ये निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। जब भी p dash x से p of x निकालना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेट करना है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड इधर dx ले गए और हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को जल्दी करने के लिए हमारे को यहाँ पे कुछ और पॉइंट सोचना पड़ेगा। हम लोग इनडिफिनिट तरीके से भी इंटीग्रेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि पी ऑफ एक्स हम लोग निकाल लेंगे, पी ऑफ एक्स निकालने के बाद हमारा काम बन जाएगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि पी ऑफ वन की वैल्यू सिक्स के इक्वल है, पी ऑफ थ्री की वैल्यू टू के इक्वल है, x इक्वल टू वन पे पी ऑफ वन सिक्स के इक्वल है, तो एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे और x इक्वल टू थ्री पे पी ऑफ थ्री की वैल्यू टू के इक्वल है, तो मेरे को सीधा फंक्शन पी ऑफ x मिल जाएगा और उसमें हमारे को k की वैल्यू भी पता चल जाएगी, और जब आप इनडेफिनेट तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट होगा वो भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू प्रोसीड करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो आपको स्मार्ट वे में कैसे काम करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो आप x का लिमिट डालेंगे, लेकिन इधर जो है p ऑफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप लिमिट डालेंगे p ऑफ x का, p ऑफ x को जस्ट आप एज्यूम कर लिए y, p ऑफ x को जस्ट एज्यूम कर लिए y। अब देखिए यहाँ पे जब x इक्वल टू वन है तो y की वैल्यू सिक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे x इक्वल टू वन डालेंगे तो एक तरह से y मतलब p ऑफ x की वैल्यू सिक्स के इक्वल है, तो यहाँ लोअर लिमिट यहाँ पे सिक्स हो गया y का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की जो लिमिट हो गई वन हो गई, मतलब x इक्वल टू वन पे p ऑफ x की वैल्यू सिक्स डाल दिया मैंने, मतलब y की वैल्यू सिक्स डाल दी गई है। जस्ट आप थिंक करें दिमाग में कि p ऑफ x मेरे लिए y है। अब इसी तरह के देखिए x इक्वल टू थ्री पे अपर लिमिट मैंने x इक्वल टू थ्री डाल दिया, तो x इक्वल टू थ्री पे y की वैल्यू मतलब p ऑफ थ्री की वैल्यू टू के इक्वल है, मतलब इस y p ऑफ थ्री मतलब y की वैल्यू टू के इक्वल है, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब बताइए d ऑफ p ऑफ x मतलब d ऑफ y का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन कितना होगा y, और y को जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 6 से 2 तक तो इट विल कम आउट 2 माइनस 6, तो इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो 2 माइनस 6 आ गई, बहुत आसान है। k यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसलिए इंटीग्रल के बाहर कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से 3 तक, k यहाँ पे है ही। अब देखिए यहाँ पे अब आप क्या रखेंगे इसमें, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस फिर x इक्वल टू 1 का लोअर लिमिट रखेंगे, जब आप ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, बहुत आसान है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने लिख भी दिया है 9 माइनस 18 प्लस 9 ये वैल्यू आ जाएगी जब x इक्वल टू 3 प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे जब आप 1 प्लेस करेंगे तो आप आएगा 1 बाई 3 माइनस 2 प्लस 3, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वहां से k की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, तो यहां से आपका के 3 आ गया, इस के इक्वल टू 3 को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 3 के की जगह पे, तो p डैश 0 किसके इक्वल आ गया, सिंपली 9 के, राइट। इसका मतलब p डैश 0 की करेक्ट आंसर क्या होगी, d 9। तो ये काफी एक अच्छा प्रॉब्लम है जो फंक्शन को लेकर के मैक्सिमा मिनिमा को लेकर के जो उसकी कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के इस प्रॉब्लम को वर्कआउट किया गया है, तो अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है, अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं, और ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखिए ये फंक्शन दे रखा है माइनस वन से लेके एक्स तक इंटीग्रेशन करी गई है इस फंक्शन की, टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस टू रेस्ट टू द पावर थ्री, टी माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर फाइव डी टी की, राइट।
अब ये कहा गया कि इस फंक्शन की एक्स के किस वैल्यू पे लोकल मैक्सिमा है, मतलब चार ऑप्शन आपको दे रखा है, तो उसमें से बोला गया कि एक्स के किस वैल्यू पे इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लोकल मैक्सिमा होगी, राइट। जैसा कि हमें पता है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जब भी हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उस डेरिवेटिव को जीरो को इक्वल कर देते हैं, जिससे कि हमारे को एक्स को वो सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स या तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है या लोकल मिनिमा होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, राइट। तो ये सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि यदि इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं जो इंटीग्रेशन वाली बात होती है, तो कैसे लेते हैं, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एफ ऑफ टी डी टी को इंटीग्रेट करें gx से लेके hx तक और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है f ऑफ h ऑफ x, मतलब t की जगह पे h ऑफ x रखेगा, तो हो गया f h ऑफ x, फिर h ऑफ x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो h डैश x, फिर माइनस, फिर t की जगह पे g ऑफ x लिखिएगा तो f ऑफ g ऑफ x, अब फिर g ऑफ x को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पे f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहली बात है x की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं सब जगह पे, क्योंकि ये हमारा h ऑफ x किसके इक्वल है यहां पे x के, तो क्या हो जाएगा x e रेस टू द पावर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3 रेस टू द पावर 5, हो गया ये चीज। फिर x को डिफरेंशिएट कीजिएगा hx को, तो hx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका तो ये हो गया कि x into e raised to the power x minus 1, x minus 1, x minus 2 raised to the 3 into x minus 3 raised to the 5 into 1, ये वाली चीज आ गई आपके पास, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसके बाद सब जगह जहां जहां t है वहां पे g of x minus 1 के इक्वल वो प्लेस करेंगे और फिर g of x को डिफरेंशिएट करेंगे, बट g of x minus 1 के इक्वल है जिसके जो एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो गई, तो सिंपल सी बात है तो सीधा 0 आ गया, इसका तो इसका f dash x किसके इक्वल हो गया, तो f dash x सिंपल सी बात है आ गया x e raised to the power x minus 1, x minus 1, x minus 2 raised to the power 3, x minus 3 raised to the power 5, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, f dash x की वैल्यू 0 प्लेस कर देते हैं, जब आप 0 प्लेस कीजिएगा तो f dash x कब 0 होगा, जब x वैल्यू 0 1 2 3 होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको 0 के इक्वल f dash x 0 करेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 0 का, दूसरा आएगा आपका x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 e रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा, तो e रेस्ट टू द पावर x इक्वल टू 1 कब होगा, जब x वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब यहां पे f dash x 0 के इक्वल होगा कब, जब x की वैल्यू 0 1 2 3 हो, राइट। अब हम लोग यहां पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बजाय कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके ये चेक करने का कि किस किस पॉइंट पे f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे f डैश x का देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू आई है 1 2 3 0 1 2 3, तो f डैश x का साइन कब कब चेंज हो रहा है, कब f डैश किस किस x पे f डैश x माइनस से प्लस में जा रहा है या प्लस से माइनस में जा रहा है, ये हम लोग चेक कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक नंबर लाइन यूज करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि जो है आपका ये वाला जो f dash x है उसकी वैल्यू कब कब निगेटिव होती है और कब कब पॉजिटिव होती है, राइट। तो हमने एक नंबर लाइन बना दिया, इसमें आप क्रिटिकल पॉइंट 3 2 1 डाला, 0 क्यों नहीं डाला, उसकी डालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के नीचे पे ये हमेशा ही f dash x निगेटिव ही होगा। अब देखिए यहां पे एक एक करके बात करते हैं, x की वैल्यू 3 से जब ज्यादा होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कि आप देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, 2 से 3 की वैल्यू, x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में होगी तो f dash x नेगेटिव होगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो f dash x पॉजिटिव होगा, और जब वैल्यू 1 से कम होगी तो f dash x हमेशा ही नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि f dash x कब का अपना साइन चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे ये माइनस से प्लस में जा रहा है f dash x, जब भी माइनस से प्लस में x इक्वल टू किसी पॉइंट पे जा रहा होता है x के सम वैल्यू पे, f dash x का साइन जब माइनस से प्लस में जा रहा होता है तो हम लोग कहते हैं वहां पे कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन अपना एक लोकल मिनिमा अटेंड कर रहा होता है एट दैट x। मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 1 पे f dash x की साइन चेंज हो रही है माइनस से प्लस में, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे डेफिनेटली जो f ऑफ x लोकल मिनिमा है, f ऑफ x की वैल्यू जो मिनिमम है कब, जब x इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहां पे x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन प्लस से माइनस में जा रहा है, जब भी x
किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे प्लस से माइनस में जा रहा हो तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे f ऑफ x जो हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे f ऑफ x मैक्सिमम होगी, x इक्वल टू 3 पे, देखिए x इक्वल टू 3 पे मिनिमा होगी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है f(x) अपना साइन कहां से कहां लेके जा रहा है, माइनस से प्लस, राइट। तो इसका तो x इक्वल टू 3 पे ये जो f ऑफ x है वो मिनिमा अटेंड करेगा, या हम लोग कहें सिंपली लोकल मिनिमा अटेंड करेगा। मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 2 पे f ऑफ x की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी या लोकल मैक्सिमम होगी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो है आपका मिनिमा अटेंड करेगा या लोकल मिनिमा अटेंड करेगा। दैट मींस दिस फंक्शन विल अटेंड द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम व्हेन एट x इक्वल टू 2, दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो x इक्वल टू 2 पे f ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी या फिर कहें लोकल मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को वर्कआउट किया जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। पूछा गया है कि भाई कि एक लाइन है और ये लाइन के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल के नियरेस्ट है। That means question ये कह रहा है कि point on the line y equal to 2x plus 11 which is nearest to the circle 16x square plus 16y square plus 32x minus 8y minus 50 equal to 0। Problem हमारा यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे key concept क्या है कि कोई भी point किसी line पे lie करे और जो किसी curve के nearest हो। अब देखिए यहाँ पे ये एक line है और ये सर्कल है आपका। इस लाइन के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस सर्कल के नियरेस्ट होगा, तो ऑब्वियस बात है पॉइंट ए होगा। और ये पॉइंट ए ऐसा होगा जो कि यदि इस पॉइंट ए से यदि मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल का भी नॉर्मल होना चाहिए। दैट मींस किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट किसी कर्व के नियरेस्ट तभी हो सकता है जबकि एक ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करें जो कि लाइन का भी नॉर्मल हो और साथ में उस कर्व का भी नॉर्मल हो। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करे और इस कर्व के मतलब इस सर्कल के नियरेस्ट हो वो कैसा पॉइंट होगा, वो ऐसा पॉइंट होगा जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस लाइन का और साथ में एक ऐसा नॉर्मल जो लाइन का भी नॉर्मल हो और साथ में सर्कल का भी नॉर्मल हो, राइट। तो ये पॉइंट ए यहां पे बेसिकली जो लाइन पे लाइक कर रहा है वो सर्कल के नियरेस्ट हो जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या होगा, हमारा पर्पस ये होगा कि हम लोग इस सर्कल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन के भी नॉर्मल हो, राइट। अब सर्कल के ऊपर नॉर्मल क्या अनुसार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल का जो नॉर्मल होगा उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो सर्कल का जो सेंटर है वो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32x माइनस 8y माइनस 50 इक्वल टू 0 को आप ऐसे लिखेंगे, पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाय 2y माइनस 25 बाय 8 इक्वल टू 0। क्योंकि आप यदि सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो इसमें जो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको पहले हमें 1 करना पड़ता है, देखेंगे इसे हमें 16 से डिवाइड कर देना है और फिर इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, राइट। तो अब हमारे पास ये आ गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और जैसा कि हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है माइनस g कॉमा माइनस f होता है, तो 2g इक्वल टू 2 हो गया, तो g की वैल्यू कितने की इक्वल हो गई, 1 के। इसका मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल का x कोऑर्डिनेट माइनस 1 हो गया, माइनस g कॉमा माइनस f, 2f इक्वल टू कितना है माइनस 1 बाई 2, तो f की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1 बाई 4, तो माइनस एफ कितना हो गया 1 बाय 4। इसका अंदर सेंटर ऑफ द सर्कल कितना आ गया माइनस 1 कॉमा 1 बाय 4। अब हमें को इस सर्कल का नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सेंटर अब ये जो नॉर्मल है सेंटर से पास कर रहा है, हमें पॉइंट तो पता चल ही गया, साथ में इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 होगा, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 2 के इक्वल है। इसका अंदर इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। इसका मतलब ये जो लाइन AC है जो कि इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है सर्कल का भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m की वैल्यू इस लाइन की कितनी निकाली अभी हमने माइनस 1 बाई 2,
y1 कितने के इक्वल है 1/4 के और x1 कितने के इक्वल है -1 के. तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ द लाइन AC विल बी इक्वल टू y माइनस 1/4 विल बी इक्वल टू -1/2 x प्लस 1. इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट 4y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो दैट मींस द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC विल कम आउट 4y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये आ गया. अब हमें क्या करना है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है. इसके अंदर क्या करेंगे आप, ये जो y इक्वल टू 2x प्लस 11 है, y equal to 2x plus 11 है, 4y plus 2x plus 1 equal to 0, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा. तो यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा -9/2, 2 आएगा. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही पॉइंट ए है, और यही पॉइंट ए जो है सर्कल के क्या है, बेसिकली नियरेस्ट है. इसका तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन विच इज नियरेस्ट टू द सर्कल विल बी -9/2, 2 राइट. तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट करेंगे. की पॉइंट समझने वाली बात है, की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो किसी कर्व के नियरेस्ट होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक नॉर्मल सबसे पहले फाइंड आउट करना है जो स्ट्रेट लाइन का भी नॉर्मल हो और साथ में उस कर्व का भी नॉर्मल हो, राइट. तो नॉर्मल आप पता कर लीजिए, फिर इसके बाद उस लाइन का जो गिवन लाइन है जिसमें हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट नियरेस्ट है, उस पॉइंट का और जो आपका नॉर्मल कॉमन नॉर्मल का जो इक्वेशन आया है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी वो कर्व की क्या होगी, नियरेस्ट होगी. तो इस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग प्रोसीड करते हैं. तो इस अप्रोच को आप ध्यान में रखना कि कैसे वर्कआउट करेंगे, राइट. मिलते हैं अगले सेशन में फिर कुछ नए प्रॉब्लम के साथ. तब तक के लिए अलविदा, आपका दिन अच्छा रहे. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच. अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है. f ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c2, g ऑफ x दे रखा है आपको माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस b2, राइट. ये दो फंक्शन ऐसे हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है f ऑफ x की वो ज्यादा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू के. ये पॉसिबल है कि एक फंक्शन का जो मिनिमा हो सकता है दूसरे फंक्शन के मैक्सिमा से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी. अब इससे कंफ्यूज ना करना कि भाई कि एक मिनिमम दूसरे मैक्सिमम से ज्यादा कैसे हो सकता है. हो सकता है किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही 5 आ जाए लेकिन किसी दूसरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 2 के इक्वल है, पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो इस बात से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो हमारे को अब निकालना है कंडीशन या कहीं रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा. तो देखते हैं इसको कैसे वर्कआउट करेंगे. ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये प्रॉब्लम. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन की मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम वैल्यू. अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उसका भी यूज कर सकते हैं. उस किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है उसका भी यूज करके काम कर सकते हैं. दूसरा हम लोग कैलकुलस के भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. तो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये एक्स की वो वैल्यू निकाल लीजिए जिसपे की एफ ऑफ एक्स मिनिमा होगा, और इसके लिए एफ डैश एक्स क्या कर देंगे, 0. तो देखते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे और उस डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे. उससे मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी जिसपे कि ये फंक्शन यहाँ पे जो होगा वो आपका मिनिमा अटेंड करेगा. तो f ऑफ x लिया, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2b f डैश x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2b को बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो इसका मतलब इसकी जो डेरिवेटिव हो गई वो 2x प्लस 2b हो गई. इसको 0 को इक्वल किया ताकि x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि x इक्वल टू माइनस बी है. हालांकि x इक्वल टू बी माइनस बी पे एक ही वैल्यू x की आई है, तो हम लोग यहीं से कह देंगे कि x इक्वल टू माइनस बी पे f ऑफ x जो होगा मिनिमा अटेंड करेगा. आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको डबल डेरिवेटिव लेकर के. लेकिन मैंने डबल डेरिवेटिव ले लिया, वैसे प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं आपको. यदि मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूं तो इसका डबल डेरिवेटिव किसके को ले जाएगा, 2 के, क्योंकि f डैश x आपके पास आया 2x प्लस 2b. इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब x इक्वल टू माइनस b पे यदि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होती है
तो उस x पे f of x क्या होता है, मिनिमा होता है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि x equal to minus b पे f of x की वैल्यू मिनिमम है। हालांकि मैं बता रहा हूं आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि आप वो नहीं करते, मैं करके दिखा दिया हूं वैसे, यदि हम लोग नहीं करते हैं तो हमें पता है कि x equal to minus b पे f of x क्या है, मिनिमा है। तो हम लोग सीधे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, कैसे, x equal to minus b यहां प्लेस करके। तो जब x equal to minus b प्लेस कर देंगे इस जगह पे, तो आ जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b, x की जगह पे माइनस बी प्लस 2c स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो वैल्यू होगी f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। तो हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x निकाल दिया। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x निकालेंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। तो g ऑफ x का फिर g डैश x कर दिया, g डैश x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, माइनस 2c बाहर आएगा, माइनस 2c बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में 1, b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके से g डैश x जो आया वो माइनस 2x माइनस 2c आ गया। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इससे x की वैल्यू आ गई माइनस c। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस c पे g ऑफ x जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यदि चेक करना चाहे इस बात को तो g डबल डैश x उसी तरीके से लेके कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कर तो दिया हूं बट इसकी जरूरत नहीं है प्रॉब्लम करने के हिसाब से। तो x इक्वल टू माइनस c यहां प्लेस कर दीजिए। अब x इक्वल टू माइनस c प्लेस कर देंगे तो g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू माइनस c यहां प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस c का होल स्क्वायर फिर माइनस 2c, x की जगह पे माइनस c प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू है। अब जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन इंफॉर्मेशन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x ग्रेटर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x है, जिससे मैं पहले ही बोल चुका हूं कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी आपके पास आ गई। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, बेसिक काफी है, तो ये आपका आएगा c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। और c स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर है तो ये इंडिकेट क्या करता है कि मॉड ऑफ c must be greater than mod of b into root 2. That means the correct answer is c. That means the relation between c and b will be mod of c greater than mod of b into root 2. तो ये correct answer यहाँ पे हमारे को c आ गया। तो इस तरीके से इस problem को solve किया जाएगा, right? तो अगले session में फिर से कुछ नए problem के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन अच्छा रहे, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अपनी life में अच्छा करें। Okay, thank you and thank you very much. आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेईई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेईई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोप एस सी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं। इसका आप हेल्प लीजिए। जे मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोव सॉल्यूशन है, जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोव के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एस सी वर्मा के मिल जाएंगे। जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेईई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए ये मैथ्स से रिलेटेड है, आप इसका ही पूरा आप देख सकते हैं। ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेईई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेईई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेईई मेन और आईआईटी जेईई दो है, जेईई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं। जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा, सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का,
इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली, क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर हमें हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया गया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपके जेई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर एआई ट्रिपल एनालिसिस मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योर सेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं, इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स, रोटेशन, मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपनी साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।